नमस्कार, आपका स्वागत है भारत होम्योपैथी के YouTube चैनल पर। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसे मिथ्स के बारे में जो रेमेटोइड अर्थराइटिस के पेशेंट्स को होते हैं, जिसकी वजह से उनका जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट होता है वो अफेक्ट करते हैं, साथ ही उनकी जो डिजीज़ है वो बहुत लंबे समय तक बनी रहती है, क्योंकि वो कुछ इन मिथ्स से घिरे हुए होते हैं। कुछ गलत फहमियाँ होती हैं, कुछ गलत धारणाएं होती हैं जो उन्हें पता ही नहीं होती कि ये गलत हैं। तो आज इस वीडियो में हमारी कोशिश यही रहेगी कि आपकी जो गलत फहमियाँ हैं, जो आपके मिथ्स हैं, वो दूर हो जाएं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और जानते हैं उन मिथ्स के बारे में। सबसे पहला मिथ है, जनरली पेशेंट्स को लगता है रेमेटोइड अर्थराइटिस और ऑस्टियोआर्थराइटिस दोनों एक चीज़ है, लेकिन ऐसा नहीं होता। रेमेटोइड अर्थराइटिस एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, जिसमें आपका इम्यूनिटी सिस्टम हाइपर एक्टिव होकर आपके जॉइंट्स के आसपास जो साइनोवल मेम्ब्रेन होती है, साइनोवल फ्लूड होता है, उसको कम करने लग जाता है। यूं कहें आपकी साइनोवल मेम्ब्रेन को डिस्ट्रक्ट करने लग जाता है। और वहीं ऑस्टियोआर्थराइटिस एक एजिंग फैक्टर डिजीज़ है, यानी जब आपकी उम्र 50 साल से ज़्यादा हो जाती है तो जो आपके जॉइंट्स के बीच में कार्टिलेज टिश्यू होता है, ये एक कनेक्टिव टिश्यू है जो आपकी जॉइंट्स की मूवमेंट को ईजी बनाता है, अब ये डिस्ट्रक्ट होने लग जाता है, यानी ये घिसने लग जाता है, जिसकी वजह से उम्र के साथ साथ ये घिसता है और जो आपकी बोन्स होती हैं वो आपस में टकराने लगती हैं और रगड़न होती है, और इसी वजह से पेशेंट्स में दर्द, स्टिफनेस की प्रॉब्लम हमें देखने को मिलती है। तो ये दोनों डिजीज़ अलग हैं, इनका लाइन ऑफ ट्रीटमेंट अलग है। अगर आप रेमेटोइड अर्थराइटिस के पेशेंट हैं तो आप रेमेटोइड अर्थराइटिस का ही ट्रीटमेंट लेंगे, आप ऑस्टियोआर्थराइटिस का ट्रीटमेंट लेकर ठीक नहीं हो सकते। सबसे पहला मिथ ये है, तो आप इसको दूर करें, दोनों अलग अलग डिजीज़ हैं। नंबर टू, कई लोगों को लगता है रेमेटोइड अर्थराइटिस यानी RA जस्ट एज फैक्टर है, यानी एजिंग थिंग है। जैसे आपके बाल सफ़ेद होते हैं धीरे धीरे, उम्र के साथ साथ ग्रे होते हैं, उसी तरीके से लोगों को लगता है रेमेटोइड अर्थराइटिस भी उम्र के साथ आने वाली डिजीज़ है। तो मैं आपको बता दूं, ऐसा नहीं होता। रेमेटोइड अर्थराइटिस उम्र के साथ आने वाली डिजीज़ नहीं है, ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, यानी ये एक ऐसे डिजीज़ है जिसमें आपका इम्यूनिटी सिस्टम आपके जॉइंट्स को डैमेज पहुँचा रहा है, तो आप इसको एजिंग फैक्टर डिजीज़ ना समझें। नंबर थर्ड एक मिथ, लोगों को ये लगता है कि अगर उन्हें RA की प्रॉब्लम है, स्टार्टिंग में उन्हें थोड़ा बहुत दर्द हो रहा है तो उसको वो सहन कर लेते हैं। उन्हें ये लगता है कि ये अभी तो हम सहन कर पा रहे हैं, तो इसके लिए ट्रीटमेंट की क्या ज़रूरत है, जब सहन नहीं हो पाएगा तब हम ट्रीटमेंट लेने जाएंगे। तो यहाँ आप बहुत बड़ी गलती करते हैं, क्योंकि अगर आप ट्रीटमेंट जल्दी शुरू कर लेते हैं, यानी अर्ली ट्रीटमेंट इक्वल टू बेस्ट सॉल्यूशन, अगर आप जल्दी ट्रीटमेंट लेना शुरू करते हैं, अपनी बीमारी को वहीं से सही करना शुरू करते हैं, तो आप आगे आने वाली दिक्कतों से बचे रह सकते हैं। क्योंकि रेमेटोइड अर्थराइटिस में क्या होता है, जब ये लंबे समय तक बना रहता है तो आपके जोड़ों में तो आपको दर्द होता ही, साथ ही आपके जोड़ों की जो शेप है, यानी आपकी फिंगर की शेप है, आपके जिन भी जॉइंट्स की हम बात करें उनकी जो शेप है, उनमें आपको टेढ़ापन देखने को मिलता है। सपोज अगर हम फिंगर की बात कर रहे हैं तो नॉर्मली आपकी फिंगर इस तरीके से है, लेकिन जब रेमेटोइड अर्थराइटिस में आपको दर्द सहन करना पड़ता है तो इनकी शेप थोड़ी टेढ़ी हो सकती है इस तरीके से भी, और आप इमेज में देख सकते हैं किस तरीके से आपको इन चीज़ों को फेस करना पड़ सकता है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको इसका ट्रीटमेंट शुरुआत में ही लेना है। आपको ऐसी गलती नहीं करनी है, आपको ये नहीं सोचना है कि आफ्टर लॉन्ग टाइम हम जब हमें ज़्यादा दिक्कतें होंगी तब हमें ट्रीटमेंट लेना है, ये गलती नहीं करनी है। और एक बहुत बड़ा मिथ है जो रेमेटोइड अर्थराइटिस के पेशेंट में हमें देखने को मिलता है, वो ये मिथ है, उन्हें लगता है RA इज जस्ट जॉइंट प्रॉब्लम, यानी उन्हें यह लगता है कि RA यानी रेमेटोइड अर्थराइटिस बस उनके जोड़ों से जुड़ी समस्या है, लेकिन ऐसा नहीं होता। अगर आप रेमेटोइड अर्थराइटिस को लंबे समय तक ठीक नहीं करवाते या उसको अच्छे से मैनेज नहीं करते तो इसकी वजह से आपकी आंखों में भी दिक्कत हो सकती है, इवन आपको अंधापन भी हो सकता है, आप ब्लाइंड भी हो सकते हैं। इसके ऊपर मैंने वीडियो बना रखी है, आप हमारे YouTube चैनल पर जाकर वो वीडियो देख सकते हैं, जिससे आपको क्लियरली समझ आएगा कि RA कैसे आपकी आंखों पर इफेक्ट करता है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, RA की वजह से आपकी किडनी,
आपके लंग, आपके हार्ट में भी डिजीजेज हो सकती हैं, इवन आपको लीवर में भी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। पहले आपका इम्यूनिटी सिस्टम आपके जॉइंट्स को शिकार बना रहा है, लेकिन लंबे समय तक अगर ये बना रहता है, क्योंकि आपका इम्यूनिटी सिस्टम इस वक्त हाइपर एक्टिव है, उसे ये समझ नहीं है कि आपकी बॉडी में कौन से एक्टिव सेल्स हैं, कौन से हेल्दी सेल्स हैं, और कोई ऐसे बैक्टीरिया, कौन सा वायरस है, उसे समझ नहीं है, वो आपके एक्टिव सेल्स को ही डैमेज पहुंचाता है। तो ऐसे में आपकी बॉडी में आपको कई और दिक्कतों का भी सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, आप ट्रीटमेंट को जरूर चूज करें, आप होम्योपैथिक ट्रीटमेंट चूज करें। और अगले मिथ की हम बात करें, वो बहुत ही कॉमन मिथ है, हर अर्थराइटिस पेशेंट को होता है, रेमोटॉइड अर्थराइटिस पेशेंट को भी बहुत ज़्यादा होता है। उन्हें लगता है एक्सरसाइज करने से उनका रेमोटॉइड अर्थराइटिस बहुत ज़्यादा वर्स हो जाएगा और ख़राब हो जाएगा, उनके जॉइंट्स में डैमेज आ जाएगा, और या यूं कहें उनके जॉइंट्स की मूवमेंट बदल जाएगी, उनके जॉइंट्स में टेढ़ापन आ जाएगा। तो मैं आपको बता दूं, अगर आप एक्सरसाइज अच्छे से करते हैं तो ऐसा कुछ नहीं होगा, बल्कि आप जो स्टिफनेस महसूस करते हैं रेमोटॉइड अर्थराइटिस की वजह से, उसमें आपको रिलीफ मिलेगा, सूजन कम होगी। और इन मिथ्स से दूर निकलिए, क्योंकि अगर आप इन मिथ्स को पकड़े हुए हैं, आप इन पर यकीन करते हैं, तो इसकी वजह से आपकी बीमारी और ज़्यादा बढ़ेगी। आपको इन मिथ्स को तोड़ना है। तो अगर आप भी इन मिथ से घिरे हुए थे, तो मुझे अब उम्मीद है कि आपको इन मिथ से बाहर निकलना आ गया होगा, आप समझ गए होंगे कि ये मिथ क्यों गलत है। और इस वीडियो में मैंने आपको फैक्ट्स बताए हैं, जिनकी मदद से आप अपने रेमोटॉइड अर्थराइटिस को और ज़्यादा समझे होंगे। अगर आप रेमोटॉइड अर्थराइटिस के पेशेंट हैं, या आप किसी भी तरह के अर्थराइटिस को फेस कर रहे हैं, जोड़ों में दर्द को महसूस कर रहे हैं, तो आप भारत होम्योपैथी से ट्रीटमेंट ले सकते हैं। आप अगर ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं, तो आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं और भारत होम्योपैथी के डॉक्टर की टीम से कंसल्ट कर सकते हैं। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें। साथ ही अगर आपको ये जानकारी यूजफुल लगी है, तो आप इसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर करें। और अगर आप ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ और देखना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।